जितेन तोमर से फैजाबाद के अवध यूनिवर्सिटी में हुई पूछताछ, फर्जी डिग्री को लेकर दिल्ली पुलिस ने दागे सवाल। जितेन तोमर को लेकर सुबह फैजाबाद पहुंची दिल्ली पुलिस, स्टेशन पर मौजूद थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम। तोमर को लखनऊ के रास्ते फैजाबाद लेकर गई दिल्ली पुलिस, रात के करीब 11:30 बजे दिल्ली से हुई थी रवानगी। सुबह के करीब 5 बजे बरेली पहुंची तोमर की ट्रेन, सादे कपड़ों में पुलिस के अधिकारियों के साथ मौजूद थे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री। तोमर की गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बवाल, पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। तोमर की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ आम आदमी सेना का मोर्चा, सरकार के लगाए पोस्टरों पर पोती का की जांच को लेकर मुंगेर के लॉ कॉलेज भी जा सकती है दिल्ली पुलिस, बढ़ाई गई कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था। मध्यप्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा खटमल और मच्छर के खिलाफ साजिश नहीं करती मोदी सरकार। फर्जी डिग्री रैकेट से जुड़े हो सकते हैं तोमर के तार, दिल्ली पुलिस को शक, पूर्व कानून मंत्री के सहयोगियों से भी होगी पूछताछ। फर्जी डिग्री के मामले में फंसे केजरीवाल के एक और विधायक बीजेपी नेता करण सिंह तंवर ने कमांडो सुरेंद्र के खिलाफ हाईकोर्ट में दी याचिका। फर्जी मार्कशीट के मामले में केंद्रीय मंत्री रमाशंकर कठेरिया को राहत, आगरा के सेशन कोर्ट से मिली क्लीन चिट। पिटाई की शिकायत के साथ महिला आयोग पहुंची सोमनाथ भारती की पत्नी, कहा शादी के बाद से ही ढाए जुल्मों सितम। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल, हाउसिंग घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन। योग को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान, सूर्य नमस्कार से की नमाज अता करने की तुलना। सूर्य नमस्कार पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री का विवादित बयान, वासुदेव देवनानी बोले जब चांद की पूजा कर सकते हैं मुसलमान तो सूर्य की क्यों नहीं। योग दिवस को लेकर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, रायपुर में बोले जो भी फिट रहना चाहता है वो करेगा योग। अहमदाबाद में योग सिखा रहे निजामुद्दीन शेख, कहा इसका धर्म से नहीं है कोई लेना देना। मणिपुर में 18 जवानों की शहादत का बदला लेने वाले शूरवीरों की तस्वीर आई सामने, म्यांमार में घुसकर 38 उग्रवादियों को किया था ढेर। 4 जून को तैयार हो चुका था उग्रवादियों के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट, बांग्लादेश से लौटते ही प्रधानमंत्री ने दी हरी झंडी। मणिपुर हमले पर सेना की कार्रवाई के बाद सिलीगुड़ी में अलर्ट पर आरपीएफ, इलाके के स्टेशनों पर रखी जा रही है पैनी नजर। विवादों में घिरे बिहार के मंत्री रमई राम, घर में काम करने वाले शख्स ने नाती पर लगाया आंख फोड़ने का आरोप। पप्पू यादव ने नीतीश और लालू के खिलाफ खोला मोर्चा, दोनों को बताया बिहार के लिए सबसे खतरनाक जहर। भोपाल के अस्पताल में बाबूलाल गौर का पैर पकड़कर मदद की गुहार लगाती रही महिला, लेकिन नहीं पसीजा शिवराज के मंत्री का दिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठा एक शख्स, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलने का लगाया आरोप। घोटाले में फंसे एनसीपी नेता छगन भुजबल का शरद पवार ने किया बचाव, कहा उन्हें फंसाने की हो रही है साजिश। चेन्नई के आरके नगर उपचुनाव में 82 साल के विरोधी से अम्मा को मिल रही है चुनौती, पेशे से समाज सेवी है ट्रैफिक रामास्वामी। मजदूरों पर दिखा मैगी विवाद का असर, गोवा के नेस्ले प्लांट से बाहर निकाले गए करीब 50 ठेका कर्मचारी। मैगी को लेकर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र पर उठाए सवाल, कहा नहीं बताया गया कितना होना चाहिए एमएसजी। मोगा प्लांट के उत्पादों पर पाबंदी के बावजूद होशियारपुर में धड़ल्ले से बिक रही मैगी, प्रशासन ने अब तक नहीं लिए हैं जांच के लिए सैंपल। पंजाब में दूसरे ब्रांड के नूडल्स की भी जांच शुरू, लुधियाना से जमा किए गए 24 सैंपल। फरीदाबाद में भी दूसरी कंपनियों के नूडल्स और पास्ता की जांच शुरू, जांच के लिए चंडीगढ़ भेजे गए सैंपल।
झारखंड के धनबाद में कोयला भवन पर मजदूर यूनियन का प्रदर्शन, 104 कर्मचारियों की नौकरी खत्म किए जाने पर भड़का गुस्सा। झारखंड के गढ़वा में ग्रामीण बैंक के कैशियर का अपहरण, बैंक बंद करके चपरासी के साथ जा रहे थे घर। बरेली में शादी के दौरान फायरिंग से छात्र घायल, आरोपी युवक गिरफ्तार। मथुरा के बरसाना में स्थित राधा रानी मंदिर पर अपना मालिकाना हक बताने वाले 10 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 3 तमंचे, कारतूस और 7 देसी बम बरामद। रोहतक एआईए पीएमटी पेपर लीक मामले में अलग अलग जगहों से 24 गिरफ्तार, लेकिन अब तक फरार है मुख्य आरोपी। दिल्ली में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना, छठी कक्षा की छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या। फिर विवादों में तिरुवनंतपुरम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हॉस्टल, 18 साल के छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश। सवाई माधोपुर में एक महिला ने अपने पति और उसके 5 दोस्तों के खिलाफ दर्ज कराया मामला, 6 महीने तक सामूहिक बलात्कार का लगाया आरोप। कोरबा में नौकरी दिलाने के नाम पर लड़कियों से देह व्यापार का भंडाफोड़, महिलाओं समेत 11 आरोपी गिरफ्तार। फतेहगढ़ साहिब में कर्ज से परेशान होकर 62 साल के किसान ने की खुदकुशी, कुछ महीने पहले राहुल गांधी को सुनाया था अपना दुखड़ा। बाहरी दिल्ली में कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग, वेल्डिंग मशीन से निकलने वाली चिंगारी हो सकती है आग की वजह। छत्तीसगढ़ के बालोद में 2 दोस्तों ने एक दूसरे की ली जान, आपसी विवाद में एक दूसरे पर लोहे की रॉड से किया हमला। कानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की जमकर की धुनाई, मुकदमा वापस लेने को लेकर बढ़ा विवाद, मोबाइल में कैद हुई मारपीट। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन की हत्या, 2 बाइक सवारों ने मारी गोली। आबरू बचाने के लिए आदिवासी महिला ने डंपर से कूद कर दी जान, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली से सटे नोएडा में आईजीएल की पाइपलाइन में आग, करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हैदराबाद पुलिस ने 26 साल के युवक को दबोचा, चिड़ियाघर में जगुआर के बाड़े में घुसकर खिंचाई थी तस्वीरें, फेसबुक पर किया था अपलोड। बिहार के बेगूसराय में एक शख्स की दिनदहाड़े हत्या, कोर्ट में गवाही के लिए जा रहे थे कुमुद ठाकुर, वारदात के बाद पुलिस पर भड़के लोग। यूपी के डीआईजी का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट हैक, साइबर क्राइम सेल को सौंपी गई जांच। यूपी के मैनपुरी में पेट्रोल पंप पर बवाल, 8 लोग घायल, गाड़ी में डीजल डलवाने को लेकर हुआ विवाद। बाहरी दिल्ली में नरेला के प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 16 गाड़ियां घंटों तक काबू पाने के लिए करती रही मशक्कत। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के प्ले स्कूल में आग, लोगों ने फायर ब्रिगेड पर लगाए लापरवाही के आरोप। अहमदाबाद में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने 5 को कुचला, 2 की मौत, गुस्साई भीड़ ने कार पर निकाला गुस्सा। बद्रीनाथ के करीब वसुधारा में घूमने गए सैलानियों की ग्लेशियर टूटने से मौत, चमोली प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जिला अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ी करीब 1.5 दर्जन मरीजों की तबीयत। गया में पुलिस ने हथियार के साथ 9 बदमाशों को दबोचा, अलग अलग अपराधों में थे शामिल। अपनी जान बचाने के लिए एक नव दंपति ने असम से भागकर मणिपुर में ली शरण, लड़की के रसूखदार पिता से जान का खतरा। संत कबीर नगर के निषाद मोहल्ले के लोगों को सता रहा है पुलिस वालों के बदले का खौफ, आरक्षण पर आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने की थी पत्थरबाजी। दिल्ली से सटे नोएडा में कारोबारी के घर, करीब 1 करोड़ की चोरी, पूरे परिवार के साथ शादी में गए थे रियल एस्टेट कारोबारी रमेश बंसल। यूपी के संभल में मुआवजे के चेक के लिए भटक रहे किसान ने की खुदकुशी, गांव वालों में प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। अमरोहा में घर में घुसकर गुंडों ने लूटी महिला की इज्जत, लोगों के हंगामा करने पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। दिल्ली से सटे गुड़गांव में नौकरी का झांसा देकर एक युवती के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेप की कोशिश नाकाम होने पर दरिंदों ने नाबालिग लड़की को कुएं में फेंका, स्थानीय लोगों ने बचाई जान। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में आइसक्रीम खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चे बीमार, 44 को इलाज के लिए भेजा गया जबलपुर। यूपी के आजमगढ़ में एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 लड़कियों समेत 10 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार को जिंदा जलाने के मामले में एक मंत्री समेत 6 लोगों पर केस, लखनऊ में इलाज के दौरान हुई थी जगेंद्र सिंह की मौत।
बदलापुर के आश्रम में तोड़फोड़ के आरोपी एनसीपी पार्षद की एमपी के होटल से गिरफ्तारी, विदेश भागने की फिराक में था आशीष दामले। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में नकली दुल्हन बनकर लोगों को लूटने वाली महिला गिरफ्तार, गिरोह के चार लोग भी पुलिस की गिरफ्त में। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दो चोरों ने एक दुकान में की सेंधमारी, 3 मिनट में 3 लाख कैश लेकर फरार, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के जामिया नगर में मामली कहासुनी पर एक युवक की हत्या, दोस्तों पर आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा के गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी, आग में लाखों का माल जलकर खाक। रोहतक के पीजीआई अस्पताल में एक महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म, जन्म के फौरन बाद सभी बच्चों की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। रक्सौल में लाश दौरान एक अस्पताल से 8 महीने का बच्चा गायब, सीसीटीवी में मासूम को ले जाती दिखी एक महिला। यूपी के मेरठ में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, भाई ने बहन को मौत के घाट उतारा, आरोपी गिरफ्तार। राजकोट में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से दिन दहाड़े 17 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी में पहुंचे जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद, सरकारी सुविधाओं का लिया जायजा। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़, 3 दिनों से काम नहीं कर रहा है आईसीयू का एसी। पटरी पर लौटने लगा दार्जिलिंग, सैलानियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, नेताओं के खिलाफ वारंट को लेकर गुरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बुलाया था बंद। पानी की किल्लत को लेकर मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में एसडीएम का विवादास्पद बयान, कहा जिसे पानी पीना है वो 3 शादियां कर। इलाहाबाद में शिक्षा विभाग के कर्मचारी यूनियन का चुनाव, हर 2 साल में डाले जाते हैं वोट। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में धू धू कर जली सेंट्रो कार, देखते देखते खाक हुई गाड़ी, बाल बाल बचा ड्राइवर। राजस्थान सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में अव्वल रही सवाई माधोपुर की एकता अग्रवाल, हासिल किया 99.17% अंक। आजमगढ़ में बंद हुए बिना मान्यता प्राप्त स्कूल, जिला प्रशासन ने सख्ती से बंद कराने के दिए आदेश, करीब 50,000 छात्रों पर पड़ेगा असर। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में एलओसी के जंगलों में आग, लपटों पर काबू की कोशिश में जुटी है सेना। घाटी में भारी बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, देश के उत्तरी राज्यों में भी घट सकता है पारा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भारी बारिश और तूफान, जमशेदपुर जाने वाली सड़क पर गिरे पेड़, कई घंटों तक बंद रहा ट्रैफिक। असम और अरुणाचल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, तूफान पर है ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां, सोनितपुर में बाढ़ के हालात। कानपुर में मॉनसून को लेकर परेशान हुए लोग, जल्द बारिश के लिए की जा रही है पूजा अर्चना। दिल्ली समेत एनसीआर में जारी है गर्मी का कहर, औसत से 4 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। राजस्थान के कई शहरों में छाए बादल, अगले 24 घंटों में बूंदाबांदी के आसार, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। राजकोट में मुंह को ठंडक पहुंचाने वाले अनोखे फायर पान की धूम पान पर लौंग लगाकर लगाई जाती है आग। देश की पहली किन्नर कॉलेज प्रिंसिपल ने संभाला कार्यभार, कोलकाता के कृष्णानगर गर्ल्स कॉलेज में हुई है मानवी बनर्जी की नियुक्ति। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ब्रेम राला मंदिर का सालाना महोत्सव शुरू, बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हिंदू और मुसलमान। बड़ोदरा विकलांगों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन, 10 जोड़ों ने रचाया ब्याह। ग्यारह जून से हैदराबाद में शुरू हो रहा है फूड फेस्टिवल, 4 दिनों तक लजीज जायकों का लुत्फ उठा सकेंगे लोग।